हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे जावा बेसिक कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल पे। तो आपको जहाँ तक मालूम होगा कि हमने जो है लास्ट टाइम डिस्कस किया था बेसिकली ऊप्स प्रॉपर्टीज पे, बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऊप्स, कि ऊप्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो क्या हैं। मैंने आपको बताया था डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन पहला, दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म और तीसरा जो था वो इनहेरिटेंस। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे बेसिकली क्लास की, ठीक है, क्योंकि जावा में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, क्लास। क्योंकि हम अगर देखें कि जावा का एक छोटा से छोटा भी अगर आप प्रोग्राम लिखने जाते हैं तो आपको उसमें जो है क्लास फॉर्मेशन करना जरूरी है। तो हम पहले जानेंगे बाकी चीज सीखने से पहले कि क्लास बेसिकली है क्या, ठीक है। तो क्लास अगर आप बात करें तो क्लास जो है, हम क्लास के बारे में कई सारे स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपने देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड। आप थ्योरी की बात करें या प्रैक्टिकल में वाइवा की बात करें तो जो क्लास है उसकी कुछ अपनी नेचर है, ठीक है, फिर बाद में उसको रियल लाइफ एग्जांपल से को रिलेट करेंगे। तो क्लास जो है उसका जो है क्लास, ठीक है। अब हम पहले बात करेंगे कि क्लास होता क्या। तो अगर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो क्लास क्या है, आप देखते हैं बायो में आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट क्लासेस होती है, हर एक क्लास का अपना एक स्पेसिफिक नेचर होता है। तो उसी तरीके से जावा के अंदर भी हम उसी कॉन्सेप्ट को काफ़ी कुछ यूज करते हैं। तो अगर आप देखें तो हर एक क्लास का जो अपना दो चीज़ें कॉमन है, तो पहली चीज़ जो है वो उस क्लास के पास कुछ अपने क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स, क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स। और दूसरी चीज जो है वो हर एक क्लास का अपना क्या होता है बिहेवियर, हर एक क्लास का अपना एक बिहेवियर होता है। लेकिन ये क्लास जो है अपना बिहेवियर कब शो करती है, यूजिंग दीज एट्रीब्यूट्स। तो क्लास अपना बिहेवियर शो करती है यूजिंग दोज एट्रीब्यूट्स। अब देखिए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्लास है बर्ड क्लास, बर्ड क्लास, हम बायो का टॉपिक लेके चलते हैं। क्लास क्या है, बर्ड क्लास। अब इस बर्ड क्लास के अपने कुछ एट्रीब्यूट और अपने कुछ क्या है बिहेवियर है, जैसे हम बात करते हैं विंग्स, बीक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चलिए हम दो ही पे बात करेंगे। और बिहेवियर क्या है, फ्लाइंग, और बिहेवियर क्या है ईटिंग, और आप उसको फीलिंग भी बोल सकते हैं। तो आप देखिए कि हर एक क्लास के अपने कुछ एट्रीब्यूट कुछ बिहेवियर है। एट्रीब्यूट यानी What it contains, तो ये क्या करते करती है विंग्स भी। अब विंग्स का यूज किसमें हो रहा है, फ्लाइंग, तो विंग्स के थ्रू क्या बिहेवियर शो कर रही हो, फ्लाइंग। वेयर एज यूजिंग बीक इट इज ईटिंग, ये सुनो। तो उसी तरीके से अगर हम जावा में भी बात करें तो हमने एक क्लास बनाई, तो हमें ध्यान देना है कि उस क्लास के अंदर बेसिकली क्या होंगे, उसके कुछ एट्रीब्यूट होंगे और कुछ बिहेवियर होंगे। तो अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें तो ये जावा में टेक्निकली हम उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स टेक्निकली हम इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। वेयर एज अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर क्या होगा, बिहेवियर यानी आपके मेथड्स, या हम इनको क्या बोलते हैं फंक्शंस,
थर्ड या फंक्शन। अब फंक्शन जो टर्म है वो हम जावा में नहीं यूज करते हैं, उसको हम सी प्लस प्लस में करते हैं, जबकि जावा में हम इनको बोलते हैं मेथड्स। चीज एक ही है दोनों, कोई उनमें ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस एक जावा में एक नया टर्म यूज कर दिया हमने मेथड्स। तो आप देखिए हर एक प्रोग्राम में जावा के अंदर आपका आपको एक क्लास बनानी होगी और उस क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स और कुछ मेथड्स होंगे। अब जो वेरिएबल्स हैं वो क्या करते हैं, होल्ड्स द वैल्यूज, क्या होल्ड करते हैं, वैल्यू होल्ड करते हैं, ठीक है। और मेथड्स के अंदर हम क्या करते हैं, वही जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आपस में मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करके कोई हम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम इनको बोलेंगे मैनिपुलेट्स द वेरिएबल्स, हम क्या करते हैं वेरिएबल को इसके अंदर मैनिपुलेट करते हैं। तो बेसिकली क्लास क्या है, एक कंटेनर, एक टर्म और आगे यहां से कंटेनर। क्लास इज अ कंटेनर एंड व्हाट इट कंटेन्स, इट कंटेन्स सम एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर, टेक्निकली दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स एंड मेथड्स। वेरिएबल क्या करते हैं, होल्ड द वैल्यूज, whereas method it manipulates those variables and give the output, ठीक है। तो अब हम क्लास को और डिटेल में जाके समझेंगे, ठीक है। तो हमने बात करी कि क्लास एक कंटेनर है, अब जैसा कि आपको मालूम है क्लास एक कंटेनर है और ये क्या कंटेन करता है, कुछ वेरिएबल्स और कुछ मेथड्स, और वेरिएबल वैल्यू होल्ड करते हैं और मेथड में हम उनको क्या करते हैं आपस में मैनिपुलेट करते हैं और वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे क्लास का लिख रहा हूँ। तो आपको पता है क्लास, हमने क्लास बनाया लेट से कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर। नाउ ये क्लास क्या कंटेन करता है, कैलकुलेटर क्लास, हमें बेसिकली इसमें करना क्या है, कुछ कैलकुलेशन पर्पज के लिए बना रहे हैं इसको, एक कैलकुलेटर का छोटा सा प्रोग्राम। तो इसके अंदर बेसिकली हमें वेरिएबल चाहिए, लेट से कॉमन थोड़ा सा लेके चलते हैं, तीन वेरिएबल ए बी एंड सी ऑफ इंटीजर इन नेचर, बाद में इसकी डिटेल में हम बात करेंगे, इंटीजर इन नेचर है ए एन बी एन सी। तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेंगे, इंटीजर वैल्यू मीन्स अ वैल्यू विच इज एज अ होल, दिस इज एज अ होल नंबर, ठीक है। अब ये तो बात हो गई वेरिएबल्स की, यानी ये क्या हो गए एट्रीब्यूट, दीज आर बेसिकली एट्रीब्यूट। और अब हम बात करें इसके अंदर मेथड्स की, क्योंकि वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, अब हमें उन मेथड के अंदर क्या करना है, उस वैल्यू को मैनिपुलेट करना है। तो हमने इसके लिए मेथड बना लिया एक void add, हमने क्या मेथड बना लिया void add, यानी ये add मेथड क्या करेगा, एडिशन का काम करेगा। इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम दो नंबर को ऐड करा के उसका रिजल्ट जो है तीसरे वेरिएबल को असाइन करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर हमने क्या किया, C equals to A plus B semicolon, सिंपल दो वैल्यू को A और B को ऐड कर दिया और उसका रिजल्ट C पे डाल दिया और C के रिजल्ट को हमने प्रिंट कर दिया। तो हम इसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी, देखिए बहुत छोटा सा प्रोग्राम है जस्ट आपको समझाने के लिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक क्लास बनाई क्लास कैलकुलेटर और इट्स अ कंटेनर, व्हाट इट कंटेन वेरिएबल्स एंड मेथड्स, वेरिएबल आर ए बी एंड सी ऑफ इंटीजर इन नेचर, वेयरएज ये क्या है एक मेथड है, इसको बाद में हम आगे और इलैबोरेट करेंगे। तो
ये आपका एक मेथड है ऐड, जो कि क्या कर रहा है, ए और बी और सी पे काम कर रहा है, उनको मैनिपुलेट कर रहा है, और मैनिपुलेट क्या कर रहा है, ए और बी को ऐड कर रहा है, उसका रिजल्ट इसको असाइन कर रहा है, सी को असाइन कर रहा है, और सी पे रिजल्ट है उसको यहाँ पर प्रिंट करा रहा है। तो आपने इसमें देखा कि जो है सिंपल एक क्लास है, जो कंटेनर है, अगर इसके हम टोटल मेंबर्स की बात करें तो इसके अंदर कितने मेंबर है, चार मेंबर है। बेसिकली तीन वेरिएबल्स हैं जिनको हम जनरल एट्रीब्यूट बोलते हैं, और एक मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, बिहेवियर। बट ये बिहेवियर एडिशन का कैसे शो कर रहा है, जब हम इन वेरिएबल और इन एट्रीब्यूट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हम असाइन कर रहे हैं सी को, और सी को प्रिंट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ हम समझिए, क्लास एक कंटेनर है जो वेरिएबल और मेथड को कंटेन करता है, और उनको मेथड्स उन वेरिएबल को मैनिपुलेट करके रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो क्लास के बारे में एक दो डेफिनेशन और है, उनका हम बाद में बात करेंगे। क्लास इज ए यूजर डिफाइंड टाइप, क्लास इज ए कंपोजिट डेटा टाइप, ठीक है, और उनको हम डिटेल में बाद में समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिए, क्लास एक कंटेनर है और वो वेरिएबल और मेथड्स को होल्ड करता है, और उनको आपस में मैनिपुलेट करता है, जैसे मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाया था। तो ये उसका एक टेक्टिकल एग्जांपल है, ये बहुत छोटा सा है, इसको हम बाद में आगे इलाबोरेट करेंगे अपने दूसरे टॉपिक पे। तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और इसको आप सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए, और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके आपको रेगुलर इसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और मैं आगे से भी और वीडियो इस पर डाल दूँगा। और मैं बेसिक जावा कॉन्सेप्ट के और बहुत सारे वीडियो ऐड करूँगा, तो जो आपको शायद हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।